लवलीज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू हियर देन हेलो माई नेम इज़ जयता। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ सरस्वती पूजा का मेकअप ट्यूटोरियल। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। सो या विदाउट फर्दर एनी मोर डिलेइंग लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने ऑलरेडी अपने फेस को पहले से ही मॉइस्चराइज करके रखा है एंड अभी मैं लगा रही हूँ एक प्राइमर एंड दिस इज़ द वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस डिवी लुमिनिक्स प्राइमर। बट अगर आपके पास कोई भी प्राइमर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आपके पास अगर एलोवेरा जेल है या फिर 5 रुपीज़ का जो वैसलिन का स्किन जेली आता है वो भी आप एज अ प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हो एज़ पर योर चॉइस। एक्चुअली प्राइमर जो होता है वो हमारे स्किन को अच्छे से इवन आउट कर देता है जिससे कि फाउंडेशन जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो सकता है एंड फाउंडेशन और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। तो मैं यहाँ पर अभी एक फाउंडेशन लगा रही हूँ एंड दिस इज़ द मेबलिन फिट मी फाउंडेशन एंड आई एम इन द शेड 230 नेचुरल बफ एंड इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एक डैम स्पंज की हेल्प से। लेकिन अगर आप फाउंडेशन से कम्फर्टेबल नहीं हो तो आप कोई भी बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम भी अप्लाई कर सकते हो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो क्योंकि ये एक विंटर सीज़न है तो आज कोई भी पाउडर मैं नहीं अप्लाई करूँगी एंड कोई भी कंसीलर भी नहीं, तो मैं डायरेक्टली जंप कर रही हूँ अपनी ब्राउज़ पर एंड ब्राउज़ के लिए मैं एक ब्राउ पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ एंड दिस इज़ द लैक्मी आई ब्राउ पेंसिल इन दी शेड ब्लैक एंड इसका प्राइस है 50 रुपीज़। बट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड इससे ब्राउज़ को ड्रॉ करने के बाद एक स्पूली ब्रश की हेल्प से मैं अपनी ब्राउज़ को कॉम कर रही हूँ ताकि एक नेचुरल सा इफ़ेक्ट आए। उसके बाद मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का रोज़ इन द एयर आई शेडो पैलेट एंड इस पैलेट में से वो जो ऑरेंजिश काइंड ऑफ शेड है इसको मैं एज अ ट्रांजिशन कलर अपनी क्रीज पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ एंड इसको अच्छे से ब्लेंड भी कर रही हूँ। एज यू कैन सी जो जो प्रोडक्ट आज मैं यूज़ कर रही हूँ सभी का नेम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आप चेक कर सको। एंड वही सेम ट्रांजिशन शेड को, एक्चुअली ये ट्रांजिशन शेड नहीं है पर मैं ट्रांजिशन की तरह इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वही सेम शेड को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से वो जो ब्राउन शेड है उसको पिक करके इसको अपनी आउटर कॉर्नर से लेके क्रीज तक अच्छे से डिपॉजिट कर रही हूँ। एज यू कैन सी देन उसके बाद एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपनी पूरे आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। जो जो मेकअप ब्रशेस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सभी फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन में अवेलेबल है एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है तो आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट आज मैं एक बोल्ड काजल लुक क्रिएट करूँगी। इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लैक्मी का आइकॉनिक काजल इन दी शेड ब्लैक। इसी काजल से मैं अपनी अपर एंड लोअर लैश लाइन को अच्छे से टाइट लाइन कर रही हूँ एंड मैं थोड़ा सा बोल्ड काजल अप्लाई करूँगी फॉर द स्मोकी इफेक्ट एंड इसको मैं बाद में एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से स्मच कर दूँगी। अभी एक छोटे से विंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बट छोटे से विंग एंड नाउ आई एम जस्ट टाइट लाइनिंग माई लोअर लैश लाइन। अभी मैं इसी फ्लैट ब्रश को यूज़ करके काजल को थोड़ा सा स्मोक आउट करूँगी। आपके पास अगर कोई भी फ्लैट ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी ईयरबड्स को यूज़ करके काजल को स्मोक आउट कर सकते हो। तो अभी मैं फेस को थोड़ा सा डिफाइन करूँगी एंड उसके लिए मैं एक ब्रॉन्जर का इस्तेमाल कर रही हूँ एंड दिस इज़ द लैक्मी एब्सोल्यूट ब्रॉन्जर। तो इस ब्रॉन्जर को मैं अपनी हॉलोज ऑफ द चीक्स पे, अंडर द जॉ लाइन्स पे एंड साइड ऑफ द नोज ब्रिज पे अप्लाई कर रही हूँ। एज यू कैन सी ये ब्रॉन्जर काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है तो जब आप इसको यूज़ करोगे तो ज़रा संभल के करना, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा अप्लाई हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। नेक्स्ट ब्लश के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ओरिफ्लेम का ब्लश एंड आई एम इन द शेड ब्रॉन टेराकोटा। आपके पास अगर कोई भी ब्लश अवेलेबल नहीं है तो आप लिपस्टिक को भी एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हो एंड मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो की है, चेक ज़रूर करना। नेक्स्ट हाइलाइटर के लिए मैं एक लिक्विड इल्यूमिनेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ एंड दिस इज़ द मालियाओ लिक्विड हाई बीम इल्यूमिनेटर। तो इसको मैं डॉट डॉट करके पहले फेस में अप्लाई कर रही हूँ एंड अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ फिंगर्स की हेल्प से एंड इसका एक अलग से रिव्यू मैंने किया है तो वो मेरी चैनल पर अवेलेबल है एंड उसका एक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऐड कर दूंगी, तो आप ज़रूर चेक करना, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एंड इसका प्राइस है ओनली एंड ओनली 180 रुपीज़।
Next, for the lipstick, I have taken a lipstick from the Maybelline Creamy Mattes range and I am in the shade 691 Rich Ruby. So this is a beautiful and gorgeous shade and it goes really, really very well with each and every Indian skin tone. उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी फॉल्सेस, बट दिस इज़ एब्सोल्युटली ऑप्शनल फॉर यू. अगर आप चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो एंड आप डायरेक्टली मस्कारा लगा सकते हो. नेक्स्ट आई एम गोना अप्लाई माय मस्कारा एंड दिस इज़ द मेबेलिन लैश सेंसेशनल मस्कारा. आई एम गोना अप्लाई दिस ऑन माई अपर लैशेज एज वेल एज ऑन माई लोअर लैशेज. तो अभी बस एक छोटी सी बिंदी लगाना बाकी है एंड उसके बाद आई विल बी एब्सोल्युटली रेडी फॉर माय सरस्वती पूजा लुक.